भारत के एक सन्नाटे के हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मिथिला के राज दुलारे के हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भारत के एक सन्नाटे के हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव धनुष राम ने तोड़ा, शिव धनुष राम ने तोड़ा, मिला चंद्र चकोर का जोड़ा, मिला चंद्र चकोर का जोड़ा। जनकपुरी से तोड़ा नाता, अवधपुरी से जोड़ा। जनकपुरी से तोड़ा नाता, अवधपुरी से जोड़ा। कोमल थी वो कली, सुखों में पली, वनों में चली, बहुत दुख पाई। सुनकर उसकी व्यथा नैन भर आते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भारत की एक सन्नाटे के हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रावण ने छल करी सिया को हरी, विधि क्या करी शोक बन पाई। सीता सीता करे विरह में जरे, वनों में फिरे। बंद करो ये कान। नहीं महामंत्री, गाने दो इन बालकों को। न जाने इस गाने से मुझे। गाओ बालको, गाओ। भारत की एक सन्नाटे के हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पवन पुत्र वहाँ आए, पवन पुत्र वहाँ आए, सुधी को धाय युक्ति बहु की निसिया सुधी पाई। राम राम कर बढ़े लंक पर चढ़े, हूँ का दई लंक सिया लौटाई, सिया लौटाई, सिया लौटाई। दिए में तेल, तेल में बाट, बाट में तेज प्रकाश, तस राम हृदय में सिया सिया ये रामई भासे। क्या बिना प्राण के अमर दही कही देही, क्या बिना प्राण के अमर दही कही देही। क्या यही राम दरबार कहा वही देही, ठहरो बालक, ठहरो। तुम कौन हो? ये गान तुम्हें किसने सिखाया? महर्षि वाल्मीकि ने। महाराज, हम उन्हीं के शिष्य हैं।
उन्होंने ही ये रामायण लिखी है। महर्षि वाल्मीकि? हाँ, उन्होंने रामायण लिखी है। तुम्हारे पिता कौन हैं? माता का नाम क्या है? वनदेवी। वनदेवी? वनदेवी। महाराज, जब से हम समझने लगे, जब से हम रामायण पढ़ने लगे, तब से हम आपके दर्शन के लिए तरस रहे थे। आज ये इच्छा पूरी हुई, हम धन्य हो गए। लेकिन महाराज, महारानी के दर्शन अब तक नहीं हुए, वे कहाँ हैं? हमें महारानी के दर्शन की बड़ी इच्छा है, कहिए ना महाराज, वे कहाँ हैं? बालक, महर्षि वाल्मीकि ने तुम्हें यहीं तक रामायण सिखाई, आगे कुछ नहीं बताया। ये है महारानी। ये मूर्ति? मूर्ति क्यों महाराज? ये ना पूछो बालक, ये ना पूछो। महाराज, 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 इन सब बातों से तुम्हें क्या करना है कुमार, तुम्हें मालूम नहीं। महाराज ने महारानी का त्याग किया है। त्याग? कोई अपराध? कोई अपराध नहीं। तो फिर क्यों? ये तो इस प्रजा से पूछो। प्रजा के रंजन के लिए ही महाराज को ये कार्य करना पड़ा। प्रजा के रंजन के लिए? प्रजा के रंजन के लिए महारानी का त्याग? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जिस सती ने संसार के सामने स्त्री का महान आदर्श रखा है, जो पति परायणा है, पतिव्रता है, जिन्होंने पति के लिए हजारों संकट सहे हैं, उनका त्याग कराने में तुम्हारा कौन सा रंजन हुआ है, कौन सा कल्याण हुआ है? बोलो, बोलो, बोलो। तुम चुप हो? तुम वियोग का दुख जानते नहीं? देखो, देखो महाराज की ओर देखो, तुमने उनकी क्या हालत की है। तुम अपने सुख को देखते हो, अपने राजा के सुख को नहीं देखते। तुम अपने स्वार्थ को देखते हो, अपने राजा के हित को नहीं देखते। किस राजा ने तुम्हारी तन मन धन से इतनी सेवा की, उनको तुमने ये बदला दिया? धिक्कार है इसी प्रजा को। चलो भैया लो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इससे तो हमारा तपोवन बहुत ही पवित्र है। सुनो, सुनो, इतने छोटे बालक भी क्या कहते हैं। अब भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती? अब भी तुम्हें पश्चाताप नहीं होता? क्षमा कीजिए गुरुदेव, हम सचमुच धिक्कार के पात्र हैं। हमने बहुत बड़ी भूल की है। हमने महाराज को दुखी किया, हमने महारानी को दुखी किया। और इन सब बातों का मूल ऐसे नीच पापी चंडाल मैं? हाँ हाँ, तू तूने ही झूठी बातें फैलाई हैं। हाँ हाँ, तूने ही सबको बहकाया है। अरे मैं जा रहा हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? क्षमा, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए गुरुदेव। मैं सचमुच पापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, हमने अयोध्या की प्रजा को ऐसे नहीं समझा था। ऊपर से अच्छे दिखने वाले नगर के लोग इतने मैले होते हैं, ये हमें आज ही मालूम हुआ। राजा राम ने भी प्रजा की ऐसी अयोग्य बात को क्यों मान लिया? नहीं गुरुदेव, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलिए आश्रम में चलिए। चलो बेटा, अब हमारा यहाँ कोई काम भी बाकी नहीं रहा। जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें रामायण पढ़ाई थी, वो आज सिद्ध हो गया। चलो चले। Thank you.
लाओ, ये क्या कर रहे हो? ये गिरा घोड़ा है, अयोध्या का घोड़ा है, पकड़ लिया। छोड़ दो, लाओ घोड़ा छोड़ दो। वनदेवी, 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 कहाँ हो तुम? क्या हुआ वासंती? तुम्हारे लव ने घोड़ा पकड़ लिया, यज्ञ का घोड़ा, महाराज रामचंद्र का घोड़ा। यज्ञ का घोड़ा लव ने पकड़ लिया। लव, लव, देखो लव, इसके लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो हम युद्ध करेंगे, इसीलिए तो हमें गुरुजी ने शस्त्रास्त्र विद्या सिखाई है। नहीं बेटा, अयोध्या की सेना का सामना करने के लिए तुम्हें शस्त्र विद्या नहीं सिखाई गई। छोड़ दो घोड़ा, छोड़ दो। तुम नहीं जानते महाराज रामचंद्र बड़े पराक्रमी है, तुम उनसे युद्ध नहीं कर सकते। वाह, तब तो हम घोड़ा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे पराक्रमी के साथ युद्ध करने का अवसर बड़े भाग से मिलता है। देखिए हमने शस्त्र विद्या कहाँ तक सीखी है। और माँ, तुम्हें तो कहा था कि हम क्षत्रिय के पुत्र हैं, युद्ध करना तो क्षत्रियों के लिए गौरव की बात है। नहीं बेटा, इस युद्ध में कोई गौरव नहीं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? लेकिन लेकिन राम जैसे आदर्श राजा के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं। आदर्श राजा, जिन्होंने अपनी निरपराध पत्नी को त्याग दिया, उन्हें तुम आदर्श राजा कहती हो? हाँ माँ, अयोध्या में हमें सब मालूम हो गया है। ऐसे राजा को हम चक्रवर्ती सम्राट का पद कभी न प्राप्त करने देंगे। हम उनसे जरूर युद्ध करेंगे। भगवान, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? ये नहीं मानते। बेटा, बेटा, राम तुम्हारे गुरुदेव, 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 लाल ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया। दोनों राम के साथ युद्ध करने पर तुले हुए हैं। बड़ा अनर्थ होगा, सारा तपोवन उजड़ जाएगा। बोलते क्यों नहीं गुरुदेव? उन्हें समझाइए, मुझसे ये नहीं देखा जाएगा। पिता पुत्र का युद्ध अच्छा नहीं, मेरे बच्चों को कलंक लगेगा। चिंता न करो बेटी, आज ही मेरे आत्मा को शांति मिल रही है। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। Thank you.
लक्ष्मण जी घायल हो गए, दंडकारण्य में यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। घोड़ा पकड़ा गया? किसने पकड़ा घोड़े को? दो ऋषि कुमारों ने, बड़े तेजस्वी हैं, बड़े पराक्रमी हैं महाराज। आज्ञा गुरुदेव। कल्याण मस्तु। भैया कुछ, ये सब आ रहे हैं, अब मैं वायु अस्त्र खेलता हूँ। ऐसे बालकों ने मुझे हरा दिया। मैं बड़ा लज्जित हूँ। कहाँ है वे बालक, कहाँ है वे? महाराज रामचंद्र आ रहे हैं, आप सच्ची कसौटी हैं। ये तो वही बालक हैं जिन्होंने रामायण का गान किया था। ठहरो बालक, ठहरो। तुमने घोड़ा क्यों पकड़ा है? हम आपको चक्रवर्ती नहीं होने देना चाहते। क्यों? आपने अपनी निरपराध पत्नी का त्याग किया है, हम आपसे युद्ध करेंगे। हट जाओ मां,
हम युद्ध करेंगे। नहीं बेटा, ये युद्ध नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं। हमारे पिता? अयोध्या के महाराज रामचंद्र हमारे पिता। और माँ, तुम उनके घर से निकली हुई अभागिनी सीता हो। सीता, और ये मेरे पुत्र। लेकिन रुक क्यों गए श्री राम? ये तुम्हारे पुत्र हैं। अपने पुत्रों को गले लगाओ राम। राम, महर्षि, आप तो जानते हैं कि प्रजा की सम्मति के बिना। महाराज, राम, गुरुदेव, महाराज, प्रजा ने सम्मति दी है, आप पिता का स्वीकार कीजिए। हाँ महाराज, सारी प्रजा ने मिलकर विनती की है कि आप महारानी का स्वीकार करें। गुरुदेव, सीते, सीते। अरे पुत्र, ये स्वप्न तो नहीं है। नहीं बेटी, ये स्वप्न नहीं, मेरे स्वप्न की सिद्धि है। आज मेरी रामायण पूरी हुई। बेटा लव, बेटा खुश। आज मेरी आत्मा को संपूर्ण शांति मिली। महर्षि, आपने इन बालकों से रामायण का गान करवा के अयोध्या की प्रजा का हृदय पलट दिया। आपको कोटिशा धन्यवाद। गुरुदेव, आपका वचन सत्य हुआ। आज मेरा कलंक धुल गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आर्य पुत्र, अब मेरे जीवन में कोई इच्छा बाकी नहीं। जी चाहता है कि इन पवित्र चरणों में विलीन हो जाऊं। दुलारी पितृ कहे भई राज दुलारी, ससुर कहे कुलवंती नारी, ससुर कहे कुलवंती नारी, बनवासिन बल प्री बनो में, बनवासिन बल प्री बनो में, विपता सदा सही, विपदा सदा सही तेरी, अमर भावना अमर रही तेरी, अमर भावना अमर रही। त्रेता द्वापर
कलयुग जाए, त्रेता द्वापर कलयुग जाए, राम राज कोई भूल न पाए, राम राज कोई भूल न पाए, सदा जगत को याद रहेगी, सदा जगत को याद रहेगी तेरी अमर कहानी, तेरी अमर कहानी, घर घर पूजा होगी तेरी, घर घर पूजा होगी तेरी, धन्य जगत जननी, धन्य जगत जननी, धन्य जगत जननी।